साथियों, आज भारत में विकास की गाड़ी नई सोच नई अप्रोच के साथ फोर व्हील्स पर चल रही है, चार पहियों पर चल रही है। एक व्हील सोसाइटी का जो एस्पायरिंग है, एक व्हील सरकार का जो नए भारत के लिए एनकरेजिंग है, एक व्हील इंडस्ट्री का जो डेयरिंग है, एक व्हील ज्ञान का जो शेयरिंग है। इस प्रकार से इन चार व्हील पे हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज सरकार जो भी फैसले ले रही है वो भारत के हित के अनुसार, भारत के समाज की आकांक्षाओं के अनुसार ले रही है। आज सरकार गरीब के घर, स्वास्थ्य, स्किल ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस कर रही है। तो साथ साथ इन्वेस्टमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी बल दे रही है। आज जितना महत्व सर्विस डिलीवरी पर है, उतना ही फोकस बिजनेस का माहौल सुधारने पर भी है। इसका भी नतीजा आपके सामने है। 2014 से 2019 के बीच भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 79 रैंक का सुधार किया है। इस बार भी हम दुनिया के टॉप 10 परफॉर्मर में से एक हैं। हर साल हम एक नए पैरामीटर में तेजी से सुधार कर रहे हैं। पिछले साल हमने 10 में से 6 इंडिकेटर्स उसमें सुधार करने में सफलता पाई है। इस बार इंसॉल्वेंसी के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी जंप लगाई है। इस कैटेगरी में हमने 50 से ज्यादा रैंक का सुधार किया है। साथियों, ये रैंकिंग सुधरने का मतलब सिर्फ आंकड़ों का ऊपर नीचे जाना नहीं है, फिर बदल नहीं है। ये रैंकिंग सुधरने का मतलब है कि हमारी सरकार जमीन पर जाकर जमीन की जरूरतों को समझते हुए फैसले ले रही है, नीतियां बना रही है। यहां जो लोग बैठे हैं उन्हें पता है कि कैसे पहले एक एक परमिशन के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था, कितनी कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना होता था। साथियों, ये सिर्फ रैंकिंग में सुधार ही नहीं बल्कि भारत में बिजनेस करने के तरीके में एक रिवॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ी क्रांति है। और इस रिवॉल्यूशन में साल दर साल हम नए आयाम जोड़ रहे हैं, नए सुधार कर रहे हैं। आज के ग्लोबल सिनेरियो में भारत अगर आज मजबूती से खड़ा है तो इसलिए क्योंकि हमने अपनी अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स कमजोर नहीं पड़ने दिए हैं। हमने मैक्रो इकोनॉमिक में अपनी प्रतिबद्धता निरंतर बनाए रखी है और फिस्कल डिसिप्लिन का कड़ाई से पालन किया है। आज जब ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी करीब करीब 3% तक नीचे आ गई है, भारत 5% से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हाल में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये उम्मीद जता रही हैं कि भारत आने वाले महीनों में
और तेजी से आगे बढ़ेगा।